आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आप लोगों को कार्बन तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे, जिसको अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला है, दहन किसे कहते हैं? तो दहन एक भौतिक अभिक्रिया है जिसमें जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस क्रिया में प्रकाश और ऊष्मा दोनों का ही उत्पादन होता है, तो इसे दहन कहा जाता है। तो दहन, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाते हैं तो वो जलना चालू हो जाता है, जिससे प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है। तो ये एक दहन प्रक्रिया है। दहन प्रक्रिया में मान लीजिए लकड़ी को हम कार्बन कहते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है, तो C+O2 = CO2, अर्थात जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तो C+O2 = CO2। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, ज्वलन ताप कहलाता है। हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए आसानी से आग लग जाता है, किंतु मिट्टी तेल का ज्वलन ताप उससे कम होता है। इसीलिए लालटेन में या चिमनी में मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है ताकि धीमे धीमे जले, अन्यथा यदि पेट्रोल का उपयोग करते तो वो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए उसमें मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मिट्टी का तेल का उपयोग लालटेन में किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता, तो उसका उत्तर यह है कि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि अग्निशामक में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को जब अत्यधिक ठंडा किया जाता है वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, और जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक अर्थात होता है शीतलन का काम करना, ठंडा करना। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, क्यों है ना? तो मार्स का मतलब होता है दलदल या कीचड़, ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल पाया जाता है उसको मार्सी प्लेस भी कहते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पर दलदल या कीचड़ पाया जाता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस का उत्पत्ति होती है या मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो दलदल वाले क्षेत्र में पाए जाने के कारण ही मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, और मार्स गैस का मतलब होता है मीथेन गैस, अर्थात दलदल या कीचड़, ठीक है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है? वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, तथा वीडियो पसंद आने पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।